तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी आपने जिस तरह का डीजे स्टेटस देखा फ्रेंड्स, अगर आप कुछ तरह का जो गुजराती सॉन्ग पे डीजे स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात ही। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह का जो न्यू ट्रेंड है डीजे व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करके दिखाऊंगा और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए कैसे मोबाइल में जो काइंड मास्टर है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जिस तरह का मोबाइल को होम स्क्रीन को दिख रहा है। दिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक करना, नया रिसोर्स सेलेक्ट करना, सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना है और यहाँ को फील्ड सेलेक्ट कर लेना। इसका जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से वो फॉल्ड करके जो है कोई एक सेकंड तक रख देना है। चलो मैं इसको एक सेकंड तक रख लेता हूँ। रख लेने के बाद गाइस इसे डन करना। डन हो जाने के बाद अपन गैलरी से जाए कुछ मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है। तो अगर आप खुद मॉडल्स फोटो अपना मॉडल्स फोटो का बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मॉडल्स फोटो का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं आज कुछ मॉडल्स फोटो में ऐड कर लेता। ऐड हो जाने के बाद इस वीडियो में प्रोसेस है जो बताऊँगा और आज का जो वीडियो गाइस काफ़ी कमाल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। और आप इस तरह का जो डीजे स्टेटस बना सकते हैं। इतना मॉडल्स फोटो ऐड हो जाने के बाद गाइस यहाँ से डन करना। डन हो जाने के बाद आपको फर्स्ट तरफ आना, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, जो सॉन्ग है सॉन्ग का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं वीडियो को सिलेक्ट कर अट्रैक्टिव वीडियो के सॉन्ग बाहर निकाल लेता हूँ, वीडियो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद दोनों की मदद से इस तरह से थोड़ा मुझे जूम करना पड़ेगा। चलो मैं इसको कुछ इस तरह से इतना जूम कर लेता हूँ। जूम हो जाने के बाद जहाँ से वीट स्टार्ट होता है आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है और यहाँ से बुक मार्क वो लगा देना जो कि ब्लू कलर का टिक है। तो आपको जितना मॉडल्स फोटो सिलेक्ट किया मैं सब में आपको कुछ इसी तरह जो है बुक मार्क मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड कर लेना। तो चलो मैं जो काम है फटाफट से कर लेता हूँ। आप भी कुछ इसी तरह से है अपना सॉन्ग प्ले करके सुन लेना कि कहाँ से जो का मॉडल्स फोटो है जो सॉन्ग बीट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर जो है बुक मार्क जो ब्लू कलर का दिख रहा है ऐड होगा। तो आपको मतलब सॉन्ग प्ले करके सुन लेना है और इसी तरह का जो बुक मार्क जितना मॉडल्स फोटो ऐड किया सब में आपको कुछ इसी तरह से जो ऐड कर देना है। तो चलो जो काम है फटाफट से बुक मार्क लगा लेता हूँ, उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इतना दूर तक बुक मार्क लगा लेने के बाद जो ब्लू कलर का टिक है उसके बाद आपको फर्स्ट तरफ आना है कुछ इस तरह से। फर्स्ट तरफ आने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से जहाँ तक बुक मार्क उस पर क्लिक करना है और मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना, उसको कुछ इसी तरह से एडजस्ट कर लेना। तो जहाँ तक बुक मार्क लगाया हो जितना मॉडल्स फोटो लिए हो सबको को कुछ इसी तरह से एडजस्ट करना। अगर कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हो जो स्टेटस है गाइस वीट के साथ परफेक्ट मैच हो जाएगा आपका मॉडल्स फोटो और आपका जो स्टेटस है काफ़ी कमाल बन के दिखेगा। चलो मैं इसको कुछ इस तरह से जो फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद गाइस यहाँ इसको डन करना, उसके बाद वो फर्स्ट तरफ आना कुछ इस तरह से। फर्स्ट तरफ आने के बाद फर्स्ट मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना, पैनल में जूम का जो ऑप्शन दिख रहा है वो कैंची के जो बीच में है इस पर क्लिक करना है और जो यहाँ दिख रहा है एंड पोजिशन लिखा नीचे तो एंड पोजिशन पर वो क्लिक कर देना है। इसको थोड़ा मतलब इस तरह से जूम कर लेना, थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम नहीं करना, इतना जूम कर लेना, इससे डन करना। डन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है, जिस मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन ज़्यादा रखे उस पर वो क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसके बाद जो दिखा डुप्लीकेट या जी लेयर उस पर क्लिक कर देना है, उसका जो डुप्लीकेट बना लेना, बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना और ऑफ केवल व्हाइट कलर का बॉक्स पे क्लिक करके डन करना है। डन करना है और फिर जो भी डुप्लीकेट बना उस पर क्लिक करना है, उसको नीचे जाना और जहाँ जो दिखा एडजस्टमेंट का ऑप्शन क्लिक करना और यहाँ से जो हैक पे क्लिक करके वो कुछ इस तरह से एडजस्ट करना। अगर कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हो जो मॉडल्स फोटो में उसका जो कलर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाने के बाद यहाँ से डन करना, फिर उसी पे क्लिक करना है और ओवरवेल एनिमेशन में जाना, जो फ्लिकर वाला इफेक्ट है उसमें को ऐड कर देना है और जो ओरिजिनल मॉडल्स फोटोज पे क्लिक करना है और क्लिप ग्राफ्सी में जाना है। जाने के बाद इसमें जो आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा इफेक्ट इसमें ऐड करना है, तो ये रहा मेरा जो देखा कैम मोशन में क्लिक करना, सेक वाला इफेक्ट इसमें ऐड कर देना है, ऐसे डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद उसके बाद जो मॉडल्स फोटो है जिसका ड्यूरेशन मतलब कि यहाँ से, तो चलो मैं बता दूँ कहाँ से, जहाँ से मेरा जो दिख रहा है 10.5 सेकंड के बाद जितना मॉडल्स फोटो उस पर क्लिक करना है और जो दिख रहा है पैनल जूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एंड पोजीशन पे आना है, इसको थोड़ा मतलब इस तरह से जूम कर लेना है, थोड़ा ज़्यादा जूम नहीं करना, थोड़ा जूम कर लेना है। फिर दूसरा मॉडल्स पे क्लिक करना, पैनल जूम पे जाना, एंड पोजिशन में आना है,
और फिर इसको भी आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। तो यहाँ से को कैसे जूम करना, कौन जो मॉडल्स फोटो में जूम ऐड करना, तो चलो मैं दिखा दूँ। उसके बाद जो वीडियो में बताऊँगा कोई इफेक्ट कैसे ऐड करना है। तो ये देखो मैंने तीन मॉडल्स फोटो में जो मैंने ऐड कर लिया, और फाइनल जूम जो एंड पोजिशन वाला, उसके बाद चौथा नंबर मॉडल्स पोज पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर उसी में जाना होगा स्टार्ट पोजिशन, देखो ऊपर में लिखा है, आपको इसको स्टार्ट पोजिशन में रहने देना। इसको भी कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे मतलब जो ऐड करना है इस, क्योंकि जो फोर्थ नंबर जो फोटो है इसमें इसका जो साउंड है मतलब फीड थोड़ा लो है, तो इसमें मैंने इसी वाला इफेक्ट को ऐड किया हूँ। तो इसी तरह से जितना मॉडल्स फोटो सेलेक्ट किए हो तो देख लेना, जो तीन मॉडल्स फोटो है तीन मॉडल्स फोटो में आपको जो पैनल एंड जूम पे जाना, जो एंड पोजिशन उसको ऐड करना, जो चौथा नंबर मॉडल्स फोटो है उसमें आपको जो है स्टार्ट पोजिशन ऐड करना। तो समझ में आ गया होगा, तो चलो इस काम को जो फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ तक हो जाने के बाद गाइस यहाँ से को डन करना, उसके बाद को फर्स्ट तरफ आना कुछ इस तरह से। फर्स्ट तरफ आने के बाद फर्स्ट मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद वो क्लिप ग्राफ्सी में जाना, और जाने के बाद यहाँ जो दिखेगा इन एनिमेशन का ऑप्शन, तो उसको डाउनलोड कर लेना है और उस पर क्लिक करना। उसको के नीचे जाना है और यहाँ जो को दिखेगा इस वाला इफेक्ट जो दिख रहा है, इस वाला इफेक्ट इस मॉडल्स फोटो को ऐड कर देना है। यहाँ से उसको डन कर देना। डन हो जाने के बाद को कुछ इस तरह से यहाँ तक आना, उसके बाद जो मॉडल्स पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और जो ओवरवेल एनिमेशन 5 है इस पर क्लिक करना, जो फोर्थ नंबर इफेक्ट आपको ऐड कर देना है। तो ये जो फोर्थ नंबर इफेक्ट है गाइस ओवरवेल एनिमेशन 5 बोला, तो कितना मॉडल्स फोटो में ऐड करना चलो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद जो वीडियो आएगा प्रोसेस मैं बताऊँगा। तो आपको यहाँ से जो ऐड करना कुछ इस तरह से यहाँ तक ऐड करना है, जिस मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन ज़्यादा रखे और डबल किए। यहाँ तक को कुछ इस तरह से जो है एनिमेशन 5 वाला जो फोर्थ नंबर इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो जो काम है मैं फटाफट से कर लेता, आपको कुछ इसी तरह से ऐड करना। मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और ओवरवेल एनिमेशन 5 में जाना, फोर्थ नंबर इफेक्ट को ऐड करना। चलो ये काम है मैं फटाफट से ऐड कर लेता, उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद गाइस इसको डन कर देना। डन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना, उसके बाद जो मॉडल्स फोटो इस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है। जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है इन एनिमेशन, इन एनिमेशन में जाने के बाद जो 2 नंबर इफेक्ट है इसमें आपको ऐड कर देना। यहाँ से डन करना, फिर दूसरा मॉडल्स फोटो पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और फिर से आपको जाना है इन एनिमेशन में। तो ये मैं आ गया एनिमेशन, आने के बाद जो 3 नंबर इफेक्ट है इसमें ऐड कर देना। यहाँ से डन करना है, फिर दूसरा मॉडल्स पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और फिर से आपको जाना है यहाँ से इन एनिमेशन में। तो वो डाउनलोड करना, इन एनिमेशन कैसे डाउनलोड पता नहीं, तो उस पर वीडियो बना दिया हूँ। और इसमें जो फोर्थ नंबर इफेक्ट है इसमें ऐड कर देना, यहाँ से डन कर देना। और जिस मॉडल्स फोटो का जो मतलब रखे थे पैनल जूम स्टार्ट पोजिशन पर, उस पर क्लिक करना और क्लिप ग्राफ्सी में जाना, फिर से को जाना है इन एनिमेशन में, और यहाँ से जो है आपको 10th नंबर इफेक्ट ऐड कर देना। तो आपको यहीं समझ लीजिए एक बार, जिस मतलब मॉडल जो 3 मॉडल्स फोटो था उसमें आपको कौन सा ऐड करना है। आपको उसमें ऐड करना 2, 3, 4, 7, 8, 9 इतना जो इफेक्ट है जिस मॉडल फोटो का, मतलब जो तीन मॉडल्स फोटो में ऐसा ऐड होगा। उसके बाद जो मॉडल्स फोटो जिसमें पैनल जूम जो लगाए थे स्टार्ट पोजिशन वाला, उसमें आपको जो है 10th से लेकर जितना इधर नीचे तक का इफेक्ट सब ऐड होगा। तो चलो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, इसी तरह से आपको ऐड करना। मैंने बता दिया, फिर एक बार मैं दिखा दूँ ऐड करके आपको। 3 मॉडल्स फोटो में जो ऐड करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और फिर से आपको जाना है इन एनिमेशन में। तो मैंने 4 इफेक्ट तो ऐड किया था, तो चलो मैं 7 नंबर जो ऐड कर लेता हूँ। ऐसे डन करना, फिर दूसरा मॉडल्स पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है। जाने के बाद फिर से को जाना है एनिमेशन में, और जो 8 नंबर इफेक्ट है इसमें आपको ऐड कर देना है। ऐसे डन करना है, फिर दूसरा मॉडल्स पर फोटो पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और फिर से को जाना एनिमेशन में। और जो 9th नंबर इफेक्ट है मैंने ऐड कर दिया हूँ। 3 मॉडल्स फोटो में ये सब इफेक्ट ऐड किया, उसके बाद जो चौथा मॉडल्स फोटो है इस पर क्लिक करना है और क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और यहाँ से को फिर से जाना एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद जो 11th नंबर इफेक्ट है आपको इसमें ऐड कर देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐड करना, चलो जो काम है फटाफट से कर लेता हूँ। इतना ऐड हो जाने के बाद गाइस स्टेटस ये काफ़ी कमाल का बन के दिखेगा गाइस। और इसमें जो कोई बॉर्डर पेंज ऐड कर लें तो पता है कैसे ऐड करना। इसको मैं थोड़ा नॉर्मल साइज में ले आता हूँ कुछ इस तरह से। ले आने के बाद गाइस आपका स्टेटस है कुछ इस तरह का बन के दिखेगा गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस,
और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। और इस तरह का आप जो डीजे स्टेटस मतलब व्हाट्सएप स्टेटस से बना सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। और वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत 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 थैंक यू।